दोस्तों माय नेम इज जेडन, यू आर वाचिंग जेडन ऑक्सफोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम बात करने वाले शिबायन में उससे रिलेटेड कुछ बड़ी खबरों के बारे में, बट उससे पहले डैम श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाली क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो कभी भी मिस नहीं कर पाए। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि वहां पर जो भी अपडेट्स होते हैं दे दिए जाते हैं, ऑफर वगैरह भी चलते रहते हैं। रैंक चल रहा है हमारा 32, जो कल चला गया था 37 पर। प्राइस चेंज देखने को मिल रहा है लगभग 5%, जितना उम्मीद था हमें कि यहां पर 19 जून के इवेंट के बाद में काफी ज्यादा बढ़ सकता है, जीरो का एलिमिनेशन हो सकता है, बट यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। क्या पता क्या हो गया, डेथ क्रैश की वजह की न्यूजेस थी उसकी वजह से क्या पता हो गया होगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं प्राइस चेंज है 24 घंटे का लगभग 5%, ट्रेडिंग वॉल्यूम है मात्र 35%, और कॉइन बेस के बाद में लगभग 300% प्लस में गया था, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा होना चाहिए जहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम मात्र 35% हो रहा है, जो मतलब यहाँ पर लोगों ने पैसा डाला, जैसा ही बना वापस निकाल लिया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, मार्केट कैप चल रहा है 4.5 प्लस में, जहां से 37 से वापस 32 तक रैंक आ गई है। उसके बाद नीचे है यस्टरडे का चैन, मतलब कल हमें प्रॉफिट दिया था, मतलब लगभग हमें 4.96%, मतलब 5% करीबन, और शिबा इनु रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है एज ऑलवेज 4,74,000 के अराउंड। ऑल द टाइम हाई 85 से 80 है, और 79 से 79 की वजह से यहाँ पर हमारे सामने 80 शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लूनार क्रस की तरफ से एक वापस एक पोस्ट आया है, जहां पर उन्होंने कहा है टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन सर्चेस 10:17 AM UTC संडे जून 19 का, और यहां पर देख सकते हैं शिबा इनु फिर से सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है, और टेथर USDT 1 पर रैंक कर रहा है। उसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि यहां पर जो सभी चीजें हमें खरीदनी पड़ती है उसके लिए पहले USDT खरीदना पड़ता है, तो हो सकता है इसकी वजह से टेथर USDT हमारे सामने नंबर 1 आ रहा हो और सेकंड बस हमारा शिबा आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आ रहा है, वापस देख सकते हैं लूनार क्रस का एक और ऑफिशियल ट्वीट आया है, कल ही का है, 19 जून का है, 24 घंटे आल्ट रैंक TM 3:05 UTC सैटरडे। तो यहाँ पर है शिबा इनु सबसे पहले नंबर पर रैंक कर रहा है, और यहाँ पर टेथर USDT एक भी जगह पर नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है ऑल्ट रैंक, यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स है उनकी रैंक को कहा गया है, और वहाँ पर टेथर USDT की कोई भूमिका है ही नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आप शिबा इनु सबसे पहले पर चल रहा है, सेकंड पर पॉलीगॉन मैटिक है, और तीसरे पर ICP चल रहा है। ICP काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, लगातार प्रगति करता जा रहा है, ICP और पॉलीगॉन काफी बढ़िया प्रोजेक्ट। इसके बाद चलते हैं सेकंड थर्ड न्यूज पर, जहाँ इन्हें मिल चुका है एक और नया प्रमोटर, डेवियस नाम के पर्सन है, ऑथर डेवियस, इन्होंने कहा है इस शिबा इनु द डॉज कॉइन किलर। क्या शिबा इनु सही में डॉज कॉइन किलर है? तो मैं कहता हूँ हाँ है, जरूरी नहीं कि पैसों के मामले में हो, और भी चीजें होती है उनमें यह डॉज किलर के रूप में प्रसिद्ध होता जा रहा है। अगर आपको बिल्कुल भी लगता है, अगर आप सही में शिबा आर्मी को सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके नीचे हैशटैग जरूर यूज कीजिएगा शिबा आर्मी। यहाँ पर चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर, जहाँ पर DGJY ने लिखा है सी ड्रीम्स शिबा आर्मी लगातार, ये सुबह के और शाम के दो ट्वीट्स तो इनके फिक्स है। इसके बाद में क्रिप्टो हाई की तरफ से एक ट्वीट आया है, इन्होंने कहा है करंट शिबा होल्डर्स 5,30,181, जो अब बढ़कर लोग हो चुके हैं लगभग 5,131 से भी ज्यादा हो चुके हैं। एरिक साइज ने कहा है टिकटॉक शिबा स्वाप, मतलब टिकटॉक धीरे धीरे चलता आ रहा है शिबा स्वाप, और 3 घंटे पहले कर रहा है। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, तो जो भी शिबा स्वाप की न्यूज़ होती है सबसे पहले एरिक हमारे सामने लेके आ जाता है। उसके बाद में बिट टॉरेंट नाम का जो कॉइन है BTT, उसने प्रमोट किया है शिबा को यहाँ पर हैशटैग यूज करते हुए, ताकि शिबा अगर वापस BTT को प्रमोट कर दे तो BTT का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद में वापस आया है क्रिप्टो हाई की तरफ से कि रूट इट इफ़ यू बॉट द डिप्स, कल शाम को और कल परसों जब वो बॉट्स पर खरीदी, मतलब डिप्स चल रही थी तब किसी ने यहाँ पर बॉट किया था, किसने खरीदा था आपको बताना है। मैंने भी खरीदी थी डिप्स, आपने कहीं भी खरीदी तो कमेंट डाउन में जरूर लिखिएगा, और कितनी खरीदी है वो भी बताइएगा। DGJY ने लिखा है कि DGJY हैज डायमंड हेड्स विद शिब, यहाँ पर लिखा गया है DGJY खुद ही का कह रहा है कि DGJY के पास डायमंड हेड्स है और उसकी रीजन है शिब। शिबा काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, और DGJY डेली इनके बारे में ट्वीट करते हैं, तीन चार लगातार ट्वीट लाते रहते हैं, उनको स्टेबिलिटी को बनाए हुए यही कायम है, और लगातार जो भी स्टेबिलिटी है उनको बनाए हुए हमें DGJY, काई ग्रीन, ब्रैंडन किंग, मजेस्टिक, एरिक साइकिल, सेल्टिक आईओ और शिबा की जो पूरी टीम है वो हमेशा बनाए रखती है। ओथरा डेविस ने वापस पुणे कहा है कि शिबा इनु इज ए गुड कॉइन, कोई भी अगर प्रमोटर ऐसा कहता है कि कोई भी कॉइन अच्छा है तो वहां पर उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसके प्रमोटर्स के वजह से यहां पर उसके फैंस बढ़ जाते हैं, उसके होल्डर्स बढ़ जाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इसने कहा है कि शिबा इनु एक बहुत बढ़िया कॉइन है, तो यहां पर लोग इस पर अगर इन्वेस्ट करेंगे इनके कहने पर, तो हमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है।
इसके बाद नीचे देख लेते हैं नेटफ्लिक्स, प्लीज काइंडली एक्सेप्ट शिबा इनू कॉइन ऑन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पर अगर कर लिया जाता है तो हम सभी जो भी मूवीज वगैरह होंगे तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे केवल शिबा की वजह से, और हमारा जो सपना है बार 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 पैसे वगैरह नहीं भरवाने का तो वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये थी हमारी सबसे सभी बड़ी खबरें। अगर यहाँ पर 100 में से 37 सिग्नेचर हो जाते हैं तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता ऐसा करेगा। अगर यहाँ पर 37 की जगह यहाँ पर 10 या 20 हज़ार की यहाँ पर रखी जाए तो यहाँ पर मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स वगैरह एक्सेप्ट कर सकता है, वरना कोई भी चांसेस वगैरह नहीं लगते। तो यही थी कभी सभी खबरें हम आपके सामने लेके आ गए हैं। एक भी खबर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी आज तबीयत खराब है उसकी वजह से थोड़ा सा मिस लीडिंग वगैरह हो रहा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।